पहले बिजली का बिल माफ करने और बाद में अपने वादे से मुकरने के विरोध में भाजपा 23 नवंबर को संपूर्ण राज्य में बिजली बिलों की होली जलाएंगी। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना नागपुर तहसील पुलिस थाना अंतर्गत सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता इमरान अंसारी उम्र 40 वर्ष अपनी ही सगीन दो नाबालिग बेटियों को पिछले 1.5 साल से हवस का शिकार बना रहा था। पुलिस में शिकायत के बाद हालांकि इस कलयुगी पिता को हिरासत में लिया गया है, मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह के अंतिम सप्ताह में अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं। बिहार सहित कई प्रदेशों में उपचुनाव में सफलता हासिल करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना तेज हो गई है। कोराड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपी ने एक महिला की बैग से 49,000 रुपए गायब कर दिए। झिंगाबाई टाकली निवासी माधुरी राजेंद्र हेड़ाऊ अपने बेटे अभिषेक हेड़ाऊ की गाड़ी पर बेटी का आधार कार्ड लिंक करने के लिए पांजरा गई थी। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे और MNS वर्धा के जिला अध्यक्ष अतुल वांदिले और हेमंत गडकरी सरचिटनेस मुंबई के कृष्ण कुंज में मुलाकात की और वर्धा जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष अतुल वांदिले को सौंपी। श्रीमती सुचिता सातपुते को महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना के हिंगनघाट तालुका अध्यक्ष के रूप में चुना गया। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में विकलांग और कोरोना पीड़ित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पोस्टल बैलेट पेपर के लिए 12D का नमूना 22 नवंबर तक कार्यालयीन समय में संबंधित जिलाधीश कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके लिए 22 नवंबर से पहले संबंधित कलेक्ट्रेट से संपर्क करने की जानकारी सहायक चुनाव अधिकारी संजय पवार ने दी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच की विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। डिप्टी CM अजीत पवार के पड़ोसी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में NCP के स्थानीय नेताओं के नाम है। मृतक बेटे की शिकायत पर बारामती पुलिस ने 9 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में सराफा बाजार में सोने के भाव में मामूली तेजी नजर आ रही है। शुक्रवार को 10 ग्राम सोने का भाव 72 रुपए महंगा होकर 50,416 रुपए पर खुला। वही कल सोने का भाव 50,344 रुपए पर बंद हुआ था।